जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि सहारा इंडिया का जो पैसा मिलने वाला है, आपने सुना ही होगा या फिर देखा होगा न्यूज में, ये खबरें आ रही है और ये सत्य भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने की घोषणा कर दी है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो भुगतान होगा, ये पैसा जो निवेशक को मिलेगा, जमाकर्ता को मिलेगा, तो किस माध्यम से मिलेगा और इसमें एजेंट का क्या रोल रहेगा। मतलब कि जो जमा करने वाले थे, कार्यकर्ता बोलिए, एजेंट बोलिए, अभिकर्ता बोलिए, जो काम कर रहे थे, उसका क्या रोल रहेगा। क्या पैसा जमा कराया गया था सहारा में तो क्या एजेंट इसमें भूमिका निभाएगा, एजेंट सहयोग करेगा, क्या एजेंट के द्वारा भुगतान होगा या फिर सहारा इंडिया के ब्रांच द्वारा भुगतान होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि एजेंट नहीं दिलवाएगा तो कैसे होगा, क्योंकि सारे लोग तो फ्री अभी है नहीं, बहुत सारे लोग बिजी है, अपने काम में लगे रहते हैं, वो तो इसी उम्मीद पे खाता खोल लिए थे कि चलो एजेंट जमा कर रहा है और एजेंट ही पैसा दिलाएगा। तो बहुत ही कम समय में पूरी बात बताने का प्रयास करूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए, मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके सवालों पर भी इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मालूम भी है, बहुत सारे वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। देखिए, एजेंट जो है, सहारा इंडिया का एजेंट है, अभिकर्ता कहिए, कार्यकर्ता कहिए, वो जो सहारा में काम कर रहे थे, तो आपको भी पता होगा और हमें भी पता है और सहारा को भी यह चीज पता है कि उसमें जो काम कर रहे थे उसमें 80% लगभग जो एजेंट थे, अभिकर्ता थे, कार्यकर्ता थे, काम करने वाले, वो या तो गृहिणी थी या फिर स्टूडेंट थे या फिर वैसे बेरोजगार लोग काम कर रहे थे जिसको कहीं जॉब नहीं लगा था या फिर कहीं काम नहीं मिला था, तो कुछ पैसों के लिए काम करते थे। तब तक परमानेंट रेगुलर बेस पे 20% लोग ही काम कर रहे थे, बाकी लोग पार्ट टाइम तौर पे काम कर रहे थे। तो हुआ यूं कि वो लोग काम कर रहे थे तो बहुत सारे एजेंट, आपने देखा होगा कि लगभग 80% एजेंट ने अभी काम छोड़ दिया है सहारा का, या तो वो दूसरे काम में लग गए, या तो वो निवेशक को इतना पैसा उसमें लगवा दिए हुए थे, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों का निवेश करा दिए हुए थे, जमा करा दिए हुए थे पैसा, और इसका जो मामला 2012 से 2023 तक अभी तक रेगुलर चल रहा है, तो बहुत सारे लोग निराश हो गए, हताश हो गए, सब अपने अपने कामों में लग गए कि अब जब कोर्ट का निर्देश आएगा, आदेश आएगा, जजमेंट आएगा, तब देखा जाएगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग काम छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है, तो क्या एजेंट पैसा नहीं दिलवाएगा, क्या एजेंट पे प्रेशर कर सकते हैं, क्या एजेंट पे दबाव कर सकते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ अप्लाई करूँगा, कहाँ आवेदन करूँगा, क्या एजेंट पर कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ टर्म कंडीशन है जिसके तहत अगर वो पैसा नहीं दिलवाता है तो हम उस पर कार्रवाई कर सके, उस पर दबाव बना सके या फिर उस पर किसी प्रकार का कानूनी लीगल एक्शन ले सके। मैं आपको बता दूँ कि सहारा का एजेंट हो या फिर किसी कंपनी का एजेंट हो, चाहे वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का ही एजेंट क्यों ना हो, सभी के लिए एक ही रूल लागू होता है। देखिए, होता क्या है, एजेंट का काम होता है, एजेंट आपका जब तक काम करता रहता है आपका पैसा जमा करता है, चाहे वो सहारा में हो चाहे किसी कंपनी का हो, सभी का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पैसा जमा करता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और जब वो काम करता रहता है तो आपको मैच्योरिटी भी दिलवा देता है। अगर वो काम बीच में छोड़ देता है तो किसी और एजेंट से आपका कॉन्टैक्ट करा देता है ताकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम छोड़ रहा हूँ, मुझे जॉब लग गया, मैंने कुछ बिजनेस कर लिया, तो ये एजेंट आपका काम करा देगा, आपको कॉन्टैक्ट करा देता है और आपका काम चलता रहता है अगर रेगुलर बेस में है तो। लेकिन यहाँ बात है कि लोगों ने छोड़ दिया और पैसे भी मिलने में देरी हो रही है, केस चल रहा था, तो लोगों को अब रिजल्ट आया है तो अब एजेंट को कहाँ ढूंढे। तो एजेंट पर मैं आपको बता दूं कि एजेंट जो है उस पर आप किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ना किसी प्रकार का आप कोई लीगल एक्शन ले सकते, क्योंकि सहारा इंडिया हो या फिर किसी बैंकिंग का हो या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी का हो, उसके टर्म कंडीशन में सारा चीज मेंशन होता है जो आप लोगों को शायद पता नहीं हो, पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता हो तो जान लीजिए। वो होता है बीच का इमीडिएटर होता है, मतलब कि आपका पैसा लेके बैंक तक पहुंचाना, आपके पैसा लेकर इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाना, आपके पैसा लेके या फिर सहारा में ही पहुंचाना या फिर पीएसएल में ही पहुंचाना, उतना उसका काम रहता है, उसके बदले उसको कमीशन मिलता है। जब तक काम करता रहता है उसको कमीशन मिलता रहता है, फिर दूसरे एजेंट जमा करते हैं तो दूसरे को कमीशन मिलता है। ये बैंकिंग सेक्टर या नॉन बैंकिंग या चिट फंड कंपनी में होता है, इंश्योरेंस कंपनी में होता है जिसने आपका बीमा कर दिया और कोई और चला रहा है, फिर भी जिसने बीमा किया उसको कमीशन मिलता है। लेकिन कंडीशन दोनों के लिए यह है कि वह बाध्य नहीं है कि आपका पैसा जमा करेगा ही करेगा, या फिर आपके बीमा के लिए या फिर आपका जो खाता चल रहा है उसके लिए वो वही काम करता रहे, दूसरा काम न करे या फिर काम न छोड़े, ऐसा कोई बात नहीं होती है। आपने कभी भी ऐसा देखा है कि किसी एजेंट पर कोई कार्रवाई हुआ,
किसी ने एजेंट पे केस किया हो और एजेंट जेल गया हो या फिर एजेंट पर कोई लीगल एक्शन लिया गया हो, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। कभी लाखों में करोड़ों में आपने एक देखा भी होगा तो किस ग्राउंड पे देखा होगा कि अगर सहारा का भी करता हो, कार्यकर्ता हो, एजेंट हो या फिर किसी कंपनी का एजेंट हो, अगर वो आपका पैसा लेकर जमा नहीं किया हो, आप वहाँ पे आपको रसीद नहीं दिया हो या फिर रसीद नहीं भी दिया हो, अगर वहाँ पर जमा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड जमा नहीं है, उसने जमा किया ही नहीं पैसा, तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार का उस पर दबाव बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन उसने पैसा जमा कर दिया है, आपको रसीद दे दिया है, पासबुक दे दिया है या फिर आपने FD किया है तो आपको बॉन्ड दे दिया है, आपको पेपर दे दिया है, कागजात दे दिया है, तो फिर उसकी जिम्मेवारी वहीं से ख़त्म हो जाती है, सीधा आप और कंपनी पार्टी होती है। आप एजेंट पे भी केस करते हैं, पार्टी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, दबाव बनाते हैं, लीगल रूप से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको परेशान करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो आपको पैसा दिलवाए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको पेपर दे देता है। सीधा सा बात समझिए कि किसी एजेंट को आप पैसा देते हैं, अगर वो आपको बॉन्ड नहीं देता है, पासबुक नहीं देता है, रसीद नहीं देता है, तो आप चुप नहीं रहते, आप उस पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि मुझे बॉन्ड चाहिए, मुझे पासबुक चाहिए, मुझे रसीद चाहिए। तो जब वो कंपनी का पासबुक, रसीद, बॉन्ड आपको दे देता है, तो आपके और कंपनी के बीच का ये मामला हो जाता है। वो तो बीच में काम कर रहा था जिसके बदले उसको कमीशन मिलता था, और चूंकि कंपनी भी फर्जी नहीं थी, कंपनी भी फर्जी हो तो लीगल एक्शन ले सकते हैं, कंपनी भी सेबी के अंडर में काम कर रही है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था, इसीलिए किसी प्रकार का आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, आपका पैसा खा गया है, आपका पैसा जमा नहीं किया है, आपका पैसा अपने पास रख लिया है, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। अब मामला आता है कि क्या एजेंट अगर नहीं पैसा दिलवाएगा तो मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मुझे पता नहीं है, मैं कैसे अप्लाई करूं। मैं आपको बता दूं कि जो एजेंट काम कर रहा है, अभी वर्तमान में काम कर रहा है जो एजेंट, आपके आसपास दूसरा कोई एजेंट काम कर रहा है, तो उसको भी आप कहेंगे तो वो आपको सहयोग कर देगा, सहायता कर देगा, आपको सारा चीज़ बता देगा कि कैसे क्या करना है। अभी जो पेमेंट होने वाला है सहारा इंडिया का, उसमें एजेंट की आवश्यकता ही नहीं है। अगर एजेंट आपका काम कर रहा है, एक्टिव है या फिर आपके आसपास है, तो आप उसको कह के काम करा सकते हो, वो कर देगा। लेकिन अगर वो करने के लिए तैयार नहीं होता है या फिर काम छोड़ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट सहारा से पैसा ले सकते हैं। अब बात आ रही है कि कहाँ आवेदन करें, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इसका कोई भी अभी तिथि तय नहीं किया गया, सहारा के तरफ से कुछ नहीं कहा गया, सहारा की तरफ से आपने देखा होगा अभी तक कोई बयान नहीं आया, डायरेक्ट ये कोर्ट का आदेश हुआ है और सरकार इस पर डायरेक्ट एक्शन ले रही है, और ये सेबी और CRCS का मामला हो गया हुआ है। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको जागरूक करने के लिए बनाता हूँ। जय हिंद दोस्तों।